नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की सीरीज, जो कि नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और जो सिंगल्स हैं जो क्रश के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए होगी, या आपके जोडियक साइंस पे बेस्ड होगी। और हम चेक करेंगे 2024 आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी, क्या इंटेंशंस होंगे, हम ये चेक करेंगे। सो आपको पता है आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है। जैसे आप चेक करते हैं अपने जोडियक साइन को, आपको वैसे ही चेक करना है सन मून राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको वैसे चेक करना है। और हम चेक करेंगे कि कैसे रहेगा 2024। लव टू माय सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। धनुराशि सन मून राइजिंग, अगर आपकी धनुराशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 2024 आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है इस साल, क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स होगी, इंटेंशन होंगे, एक्शन होंगे। सो पहले हम चेक करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, फिर कॉन्टैक्ट में, देन क्रश के लिए एंड देन सिंगल्स के लिए। ठीक है, सारे टाइम स्टैम्प्स में आपको रीडिंग मिल जाएंगी। आपकी रीडिंग आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से चेक कर सकते हैं। सो अभी हम चेक करेंगे धनुराशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनुराशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस साल 2024 में। मेरे धनुराशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स के इंटेंशन एक्शन क्या होंगे डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, कैंसर भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 11, 9, 15, 3, 3-3 की एनर्जी है, 9, 2 and 2-2 की एनर्जी। वाह, ब्यूटीफुल। सो आपके पार्टनर को इस साल कुछ ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है जैसे कि आप जो हैं इस रिश्ते में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बने हुए हो इस रिश्ते में, भले ये आपके साथ जैसे भी बिहेव करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करते हो, आप इनको छोड़ के कभी नहीं जाते हो। सो ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आप एक बैलेंस क्रिएट करते भी मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। आपके प्यार को देख के, जैसे होता है ना कि किसी के प्यार को देख के कोई इंसान सुधरता है, वैसे एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये इंसान आपको देख देख के, आपने इनको जैसे प्यार करना सिखा दिया है, वैसे एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बहुत अच्छी चेंजेस इनके एनर्जी में देखोगे आप इस साल। ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आप डिमांड कर रहे थे इतने दिन से और ये इंसान इग्नोर कर रहे थे आपको, वो नहीं करेंगे। ये इंसान अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स लेंगे, कोशिश करेंगे एक बैलेंस क्रिएट करने की इस रिश्ते में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, एक रीस्टार्ट, एकदम क्विक रीस्टार्ट चाहते हैं ये, जैसे अभी के अभी एक छलांग लेना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ग्रोथ चाहते थे लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी थी जो कि ऑब्स्टिकल थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। किसी और से मैरिड हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, और प्रेगनेंसी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है पास्ट में, ठीक है। फ्यूचर में इनको एक क्लियरिटी मिलेगी जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनके लाइफ में बने हुए हैं। एक होता है ना कि अनकंडीशनली कुछ नहीं चाहिए होता है किसी इंसान को, बस वो बस प्यार ही कर रहा है, फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं उनके मन में, ऐसी की एनर्जी। सो ये आपको देखकर जैसे इनकी एक आंखों का खुलना या फिर कुछ बुद्धि का खुलना, समझ आना, ऐसी क्लियरिटी इनको मिलेगी और ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, मुझे ये दिख रहा है।
आप भी इनके साथ टीम वर्क करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि एफर्ट्स लें आप इस रिश्ते में और सही करें चीज़ों को, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते दिख रहे हैं, अपने फिनांस पे भी काम करते दिख रहे हैं, अपने ऊपर भी काम करते दिख रहे हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना, अपने अंदर एक चेंजेस लेकर आना, यू नो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। डर क्या है इनका, इनको डर ये है कि बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट अगर आपसे करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ऑब्स्टिकल ना हो, ठीक है। और ब्लेसिंग्स इनको क्या लगती है, इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह हो, जो कि इनको हमेशा ही वही सेम तरीके से आप इनको प्यार कर रहे हो, लाइक यू नो आपका जो आपकी जो फीलिंग्स है ना उसमें चेंजेस नहीं आई है, आप जैसे पहले थे वैसे ही इनको आज भी आप आपके मन में फीलिंग्स इनके लिए है और वैसे ही रिस्पेक्ट और इमोशंस आपके बने हुए हैं, आप चेंज नहीं हुए, जो कि इनको ब्लेसिंग्स की तरह लग रही है, ठीक है। ये इंसान इस बार अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, जो भी इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। पास्ट ईयर्स में अगर ये इंसान अपने मन की बात अपने मन में ही रखते थे तो इस साल ये इंसान अपनी मन की जितनी फीलिंग्स इनकी है ना, जो भी ये सोचते हैं आपको लेके, जो भी ये चाहते हैं, ये सब कुछ आपको एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर ये अपनी अपने प्यार को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्या ज़रूरी है इस रिश्ते में, सॉरी बोलना ज़रूरी है, अगर किसी की गलती है तो झुकना ज़रूरी है, सॉरी बोलना ज़रूरी है। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इस साल आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगी। अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलिए, उनकी गलती है तो उनको सॉरी बोलना चाहिए। सो यस, सॉरी बोलना ज़रूरी है इस रिश्ते में। ओवरऑल एनर्जी हाई प्रिस्टस की है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ दोनों जन एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्शन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिख रहा है मुझे, कोई एक यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट देता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, सॉरी बोलने की ज़रूरत है अगर कुछ गलती हो रही है किसी से, ठीक है। सो ये है जो नो कॉन्टैक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे धनुराशि वाले 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, हम ये चेक करेंगे। मैन प्लीज़ गाइड, मेरे धनुराशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है 2024 में, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है उनके पार्टनर में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। मेरे धनुराशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस साल, डिवाइन। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, वन मोर टाइम प्लीज। चलो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए मुझे ये साल इतना सही नहीं लग रहा है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 8, 3, 8, 8, 19, 25, again 9, 17, 8 and 2। 8, 8, 8 की एनर्जी यहाँ पे है। सो अबंडेंस इस साल ज़रूर है आप लोगों के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस। चलो नो कॉन्टैक्ट में है इस साल उनके लिए ये साल सही नहीं दिख रहा है मुझे। हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, रिश्ता ख़त्म हो सकता है, रिबर्थ भी हो सकता है, लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। थोड़े से स्टक फील करोगे आप और आपके पार्टनर दोनों ही, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे एक दूसरे से, ऐसा दिख रहा है मुझे। पास्ट में मुझे चीज़ें आप दोनों के बीच बहुत सही दिख रही थी, बट यू नो फ्यूचर में ये इंसान अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है यहाँ पे। स्पिरिचुअली ये इंसान इस साल ग्रो कर सकते हैं, एक एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं। इनकी एनर्जी देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है बिल्कुल आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी होगी इस साल। ये इंसान इस साल सोल सर्चिंग में लगेंगे, क्यों आए हैं इस लाइफ में, क्या करने के लिए आए हैं, आपसे कनेक्शन क्या है, यू नो कर्मा क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, ऐसे बहुत सारे चीज़ ये इंसान खोजते हुए साल दिखेंगे और साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इस इंसान को बहुत चेस करते दिख रहे हैं इस साल। सो
ऑब्स्टिकल जो है वो मुझे हीलिंग दिख रही है, या तो आप हील नहीं कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर हील नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दोनों ही एक दूसरे को नजर बनाए, दोनों ही एक दूसरे को स्पाई करते दिख रहे हैं, स्टॉक करते दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र बना कर रखे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। स्पेशली आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, आपके टेरेस पे, विंडो पे, डोर पे, यू नो हर जगह इनकी नज़र होगी, ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। कन्फ्यूज़ होंगे ये इंसान बहुत ज़्यादा। सो जो कॉन्टैक्ट में है धनु राशि वाले, उनके लिए ये साल मुझे इतना सही नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यू नो ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं इस साल। सो इस साल अपनी एनर्जीज पे काम करें, अपनी फाइनेंस पे काम करें, फाइनेंशियल अबंडेंस है इस साल आपका, सो अपने फाइनेंस पे इस टाइम ज़्यादा फोकस करें ताकि फाइनेंशियल अबंडेंस आप गेन कर पाओ, ठीक है। सो ये है कॉन्टैक्ट में जो है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे धनु राशि वाले जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके लिए क्या आ रहा है 2024 में। फ्रेंड प्लीज गाइड, मेरे धनु राशि वाले जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी, उनके क्रश की फीलिंग्स क्या रहेगी मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे धनु राशि वाले जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे 2024 में। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। धनु राशि वाले आपके क्रश की साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 3, 3, 1, 2, 2, 8, 10, 2, ठीक है, एंड 21। ये इंसान फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे इस साल। इनको फ्यूचर में ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यू नो फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ये रिश्ता फ्यूचर में अगर ये इंसान देख रहे हैं तो कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, आपके साथ आगे बढ़ना सही होगा कि नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, ऐसी एक ओवर थिंकिंग चल रही इनकी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि ये इंसान आपके साथ रीयूनियन, सेलिब्रेशन, सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करके चीज़ों को अपने फेवर में करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। पास्ट में इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनको ऐसा लगता था कि आपके मन में भी वैसी फीलिंग्स है जैसे कि इनके मन में है, लेकिन अभी ये इंसान जगल कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए नहीं है। सो जगल करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप या तो अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे बहुत फोकस्ड हैं, या फिर आप मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं किसी से, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपका फोकस इनके इन पे कम रहेगा और ये इंसान इस रिश्ते पे काम ज़रूर करना चाहेंगे, एफर्ट ज़रूर लेना चाहेंगे, या फिर अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस होगा इनका, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फियर क्या रहेगा इनका, इनका डर ये रहेगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप, यू नो या फिर बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप, या फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सोच सोच कर ये इंसान जो है ना अब एक डर क्रिएट करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और हर्ट होते दिख रहे हैं मुझे, ये हर्ट होते भी दिख रहे हैं, आपको हर्ट करते भी दिख रहे हैं इंसान। सो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई ऑफर इनसे मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो भी हर्ट होंगे आप दोनों, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस रिश्ते का, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जी है, एक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है आप दोनों को, आप दोनों ही इनडिसाइसिव हो रहे हैं, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, प्रपोज करना है नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आप दोनों की ही, जगलिंग करते दिख रहे हैं आप दोनों। लेकिन ज़रूरत यहाँ पर यह है कि आप दोनों एक डिसीजन पर आएँ। मुझे एक हर्ट वाली एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये प्रपोज करेंगे आपको इस साल, या फिर कुछ आगे बढ़ता कुछ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फीलिंग ज़रूर है, इमोशन ज़रूर है, लेकिन जिससे सही होती है फिर ये एक्शन लेते नहीं दिख रहा है मुझे, ओके। सो यस, अपने करियर, फाइनेंस पे फोकस करें इस टाइम पे, ज़्यादा इस रिश्ते पे फोकस ना करें, मुझे यहाँ आउटकम नहीं दिख रहा है कुछ पॉजिटिव। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। हम चेक करेंगे सिंगल्स जो मेरे हैं धनुराशि, उनके लिए क्या आ रहा है 2024 में। ट्वेंट प्लीज गाइड,
मेरे धनुराशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 2024, क्या लेकर आ रहा है मेरे धनुराशि वाले जो सिंगल्स हैं डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है कि आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं अपने लाइफ का, आप ज़रूर चाहते हैं कि कोई आपके लाइफ में आए जिससे कि आप मैरिज कमिटमेंट तक जा पाएँ, मतलब यू नो नॉट नो टाइम पास, डायरेक्ट मैरिज वैरिज का आप सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इस साल यहाँ पे ऐसे किसी की एंट्री होते नहीं दिख रही है। फिर लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, किसी की एंट्री होगी भी तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी, पॉजिटिव आउटकम मुझे नहीं दिख रहा है। मैरिज वगैरह के लेकर सोच रहे हैं आप तो इस साल रुक जाएँ, नेक्स्ट ईयर देखें, देखना रिश्ता देखना वगैरह आप कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे चीज़ें इतनी आउटकम जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो सिंगल्स को इस साल वेट करना पड़ सकता है, इस साल उनके लाइफ में अगर कोई आए भी तो भी शादी तक बात नहीं पहुँचेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल जो गाइडेंस है धनुराशि वालों के लिए हम चेक करेंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड गाइडेंस फॉर माई सैजिटेरियस डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। प्रे फ्रॉम हार्ट, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि आपको प्रे करना चाहिए, जो भी चीज आप चाहते हो प्रे कीजिए, दिल से मांगिए, यू नो प्रेयर से जो है ना माउंटेन्स भी हिल जाते हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो जो भी आप चाहते हो प्रे कीजिए और उस चेंजेस को, उस मिराकल को होते हुए एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। आर्कएंजल माइकल इज विथ यू नाउ, इवन दो यू कैन सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। आर्कएंजल माइकल आपको ये श्योर कर रहे हैं कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, भले आप उनको देख नहीं पा रहे हो लेकिन यू नो कंटिन्यूसली वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। Your loved ones are safe. Let go of fear and worry for your loved ones. I'm looking after them. Divine आपको ये गाइड कर रहे हैं कि किसी के लिए अगर बहुत कंसर्न हो रहे हो आप, बहुत चिंता अगर कर रहे हो तो मत कीजिए, Divine सब कुछ देख रहे हैं, सिर्फ आपको प्रे करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप चाहते हो Divine से प्रे कीजिए, मांगिए उनसे और मिराकल्स होते हुए एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। सो माई डियर सैजिटेरियस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।